बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर क्लास 10 आपके लिए फोर और फोर से तैयार हो जाए। सब्जेक्ट की पार्ट है एक्सरसाइज 7.5 ऑफ क्लास 10। स्टेटमेंट क्वेश्चन, उसको गौर से सुनना है, समझना है, डायग्राम बनानी है। और स्टेटमेंट क्वेश्चन की एक सबसे बड़ी ड्यूटी यही होती है कि आपने उसका स्टार्ट भी जो है वो स्टेटमेंट ही के साथ ही उसका सोल्यूशन देना होता है। वह प्रॉब्लम है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर से अपवर्ड एंगल, ये सिंपल मैं अल्फाजों में कह रहा हूं। ये ऑब्जर्वर है, ये सेट है, ये ग्राउंड है, एक्स एक्सिस में है, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहां कोई चीज है, यहां ऑब्जर्वर है। चलो ये ऑब्जर्वर है, एक और मार्कर पकड़ लेता हूं, दिस वन इज ऑब्जर्वर, और ये इसको ऑब्जर्व करना चाह रहा है, इसको। ये ऑब्जर्वर आई, ये ऑब्जर्व कर रहा है, क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इसी लेवल्स के नीचे हो जाए तो दिस वन इज अ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहरहाल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सन 6 फीट में कॉस्ट अ 3.5 फीट शैडो। सन बना लेना, हाँ विजुलाइज बनानी है इसको डायग्राम। इसमें ये समझ लें कि सन है, समझ क्या लें, है ही सन, ये सन है ना। अमेन, ये एक आदमी बना लेते हैं, दिस वन इज अ मैन, जैसे भी है, ये जैसे भी आपने बनाना है ये मैन। इसकी हाइट जो है वो 6 फीट, दिस वन इज अ 6 फीट, जो जो वो कहता जा रहा है हम उसकी बात मानते जा रहे हैं। कॉस्ट एंड शेडो 3.5, ऑब्वियसली शेडो इस साइड पे बनेगा, मेरी तरफ जमीन पे आसमान पे तो बनने से रहा, ये इसका शेडो बना लेते हैं। शेडो जो है वो सिंगल डायमेंशन होगा, ठीक है। शेडो हमारे पास आ गया 3.5 फीट, जिस वन अपने एंगल ऑफ एलिवेशन में नोट कर रहे हैं। यहां से आपने ट्रायंगल मुकम्मल कर लिया, जिस वन क्लियर। नेम दे दीजिए, इट्स ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स। यहां तक हो गए, अब बना ले, इस तरह कोई मुश्किल काम नहीं है ये। अब आपने यहां जो है वर्टिसेस बताने, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, क्योंकि यहां से अगर हम एंगल ड्रॉप करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिस वन, और ये अल्टरनेट एंगल थीटा, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली थीटा, इसलिए लंबी छोटी बातों में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये थीटा, यहां आप थीटा लिख लें। हाइट ऑफ द मैन एसी, यहां एसी लिखें आप, लाइन सेगमेंट कितना है ये 6 फीट, ये आ गया। शेड ऑफ द मैन बीसी, दिस वन इज अ बीसी, 3.5 फिट, ये आपने फाइंड आउट करना, ये जनाब सारा कुछ मुकम्मल हो गया। मेरा ख्याल ये 1 मार्क्स देना चाहिए, और अगर आप नहीं बनाते हो तो वो खूबसूरती नहीं रहेगी के सॉल्यूशन से। नाउ नेक्स्ट, अब करना क्या, अब ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 का एंगल दिस वन। अब थोड़ी सी और चीजें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, दिस वन इज अ 90 राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट बाय हाइपोथेसिस, ठीक। ऑब्जर्वर एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी, दिस वन सेट टू बी अ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज अ बेस, मैंने कहा हाई एच हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ऑब्जर्वर इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज अ बेस, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तरफ आते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ अ बेस, साइन थीटा परपेंडिकुलर ऑफ अ हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ऑफ अ हाइपोटेन्यूज, इनको आपने फिंगर टिप्स में याद रखना है। अब आपने देखना है इनमें से तीनों में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पिक करनी है आपने अपने सॉल्यूशंस में, और वो वाली जो है वो पिक करें इस बार के ऊपर, बल्कि आपको बड़े आसान हो जाएगा। अब ये कई स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा, अब गौर से सुनिएगा इसको।
इसमें आप देखें जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वेशंस है, या जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, या जो डाटा आपको गिवन है, उसी को रेशियो को जेन में रखना। ऑब्जर्वर के सामने उन्होंने दिया हुआ 6 feet, इसका मतलब है क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है बेस, सॉरी 3.5, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर बेस ही डिस्कस करना है, मुझे हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही है डायग्राम, डायग्राम इसलिए जरूरी है, नहीं लेना देना। गुड, तो कौन कौन सी साइड्स आ रही है परपेंडिकुलर और बेस, तो देखें हम परपेंडिकुलर बेस को कौन डील कर रहा है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो यहां आपने वो वर्ड इस्तेमाल कर दिया, इट्स अ सिंस, क्या यूज करोगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एसी एंड बेस बीसी, इसमें वैल्यू फिट कर दो बेटा, टेन को टेन रहने दें, इक्वल परपेंडिकुलर हमारे पास है 6, गुड, और बेस है 3.5, बड़ा आसान है, हमने फिट कर दिया वैल्यू। हमारा काम जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यानी कि एलिवेशन, इंक्लिनेशंस में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ हायर लेवल्स के लिए, वो कहते ही है, लेकिन जो कि एलिवेशन यूज हो रहा है हमारी बुक में, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने सिर्फ यहाँ थीटा फाइंड आउट करना है, टेन से हमें कोई वर्ड नहीं, लेकिन ये शिफ्ट में चला जाएगा कैलकुलेटर में, टेन शिफ्ट आपने जो है वो आपको मिल जाएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, टेन इनवर्स 6/3.5, यस। अब जल्दी से अपनी कैलकुलेटर निकालें, यस, कैलकुलेटर पर देखें, ठीक है, शिफ्ट के की होगी से प्रेस करें, कर लिया, टेन को प्रेस करें, कर लिया, ब्रैकेट, यस, 6/3.5, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का साइन लगाएं, यस, लगा लिया तो क्या आंसर आएगा, हाँ हाँ वही बताना मुझे, मैं लिखने लगा हूं, सपोर्ट तो करें, मैंने तो शायद, हाँ क्या आ रहा है, 59. यस यस 59.7 राउंड अबाउट 74, ठीक है 59.74, यहां डिग्री का साइन लगा दें, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि सन जो है इस पोजीशन पे हो, यानी कि इस एंगल की पोजीशन पे हो, मैन और उसका शैडो कास्ट कर रहा हो, तो ये एंगल बनेगा, क्लियर। अब आपके काम मेरा काम तो मुकम्मल हो गया, पहला पार्ट मैंने समझा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया, लाइक कीजिएगा प्लीज, शेयर कीजिएगा, और फिर हम आगे चलते हैं, पहले मैं स्टे करो, नहीं कर लो जल्दी से, गुड। नेक्स्ट, उसी तरह बस काम इनका यही है मैथमेटिशियंस का, होना मेथड एक ही है, पता नहीं कभी काम यहां से पकड़ लेते हैं, कभी इधर से पकड़ लेते हैं, बहरहाल मैं भी हूं, अच्छा चले ठीक है, आप भी बनने जा रहे हो। अ ट्री कॉस्ट अ 40 meter शैडो, ट्री बना लें, ये लें जनाब, जैसे भी बन रहा है, ये आ गया ट्री, दिस वन इज अ ट्री, सन, ये सन को हम बना लेते हैं, आजकल तो वैसे ही छुपा हुआ है, सन अ ट्री 40 meter शैडो, शैडो को फिर हम देख लेते हैं, This one is a 40 meter. ये shadow आ गया. When the angle of elevation of a sun is 25, मिला दीजिएगा इनको आपस में, triangle बनाएं. Yes, this one is angle. अब वो angle उसने हमें पहले दे दिया 25. It's a 25 degree. इसे radian में convert करने की जरूरत नहीं होती है. हाँ ये मैंने 7.3 में मैंने आपसे कहा था, अब नहीं है। अच्छा जनाब, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये ले जनाब, ये हमने फाइंड आउट करना, दिस वन करने के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, यस इसे वर्टेक्स देंगे, दे दिया वर्टेक्स, इट्स अ ए, दिस वन इज अ बी, ना ये आपकी अपनी मर्जी है, अल्फाबेट चेंज भी कर सकते हो, सी। अब होगा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया फिर दोबारा, इज अ 90, हाँ बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल, और कोई आइसोसेलेस वगैरह कोई ट्राइंगल्स नहीं है, हाइपोटेन्यूज ये लें जनाब,
ऑब्जर्वर एंगल, ऑपोजिट साइड, परपेंडिकुलर, गुड, और रेस्ट इज अ बेस, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अब फिर इन साहब के घर जाते हैं, नोक करके जाना, एनिमी चले जाना। क्या कहना है जनाब? जनाब जनाब हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमने पिक करना है, देखते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्कस करना है, बेस आ रहा है, हाइपोटेन्यूज का लेना देना कोई नहीं है, फिर वही कौन सा tan थीटा। यस, सिंस tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एसी बेस बीसी, पुट ऑल द वैल्यूज इन इट। कौन कौन सी है? tan को tan रहने दें, इक्वल एसी 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 फाइंड आउट करना है, चाहे एक्स कर लें, बराबर बीसी है 40। अब यहां आपने एक काम कर, क्या बोला, इस थीटा की बजाय क्या लिखोगे हम, जो एंगल की बन है, इज इट 25 डिग्री, बस ये फर्क है जनाब उसमें उसमें। अब 10 25 को कैलकुलेटर फिर लीजिए, ओपन था, ऑपरेट करें उसे, 10 लिखें बल्कि प्रेस करें, 25 इक्वल आंसर आपके पास आएगा 0.4663। ठीक, लिख लें, लिख लें जनाब 0.4663 इक्वल एक्स अवर 40। रिमेंबर एक्स इज द हाइट ऑफ द ट्री, यहां भी अगर हम के लिहाज इसे मुकम्मल कर लें, शेड ऑफ द ट्री क्या था, बीसी कर लें, 40 मीटर, और ये एक्स मीटर आएगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो एक्स मीटर में होगा। यानी कितना आसान है कि शेडो को देखते हुए एलिवेशन हमारे पास मौजूद है तो हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब के बजाय कि वहां ऐसे ऐसे करके करो जी कितने हैं, कितने इंच है, कितने नहीं है, बराबर दे देखें। बट वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मैथ ट्रिग्नोमेट्रीज में, 40 को मल्टीप्लाई करना है, ये ले 40 into 0.4663। नॉर्मली इसको एक्स इस साइड पे ले आते हैं, नाउ एक्स इक्वल टू 40 पॉइंट, फिर कैलकुलेटर 40 मल्टीप्लाई में 0.4663, प्रेस इक्वल, यस, आवाज दीजिए जोर से और जोर से, 18.65, यस 18.65 नहीं कहना, 18.65, डेसिमल के बाद अलग अलग बोलना होगा, 18. ये लो जनाब मार्कर मार्कर वही आएगा 18.65। अब यूनिट भी लिखिएगा प्लीज, कौन सा है, मीटर, मीटर, इसको ब्लॉक कर दीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा आज की लर्निंग पे। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट अच्छे बेहतरीन पढ़ पूरी एक्सरसाइज करेंगे, बस आप फिक्र ना कीजिएगा, बस साथ दीजिएगा और चलते जाइएगा, सफर इसी तरह कटता जाएगा। स्ट्रिंग टच, अल्लाह हाफिज़।